subject. So please everyone, open your book. Songs, rhymes and stories. Theme 7, page number 7 to 72. Okay, look at this book. Yes, songs, rhymes and stories. And page number 7 to 72. Okay, and story name is इंदी स्टोरी. ये स्टोरी किसकी है? इंदी की. इंदी एक लड़की का नेम है. ओके, सो प्लीज एवरीवन लिसन टू मी केयरफुली. ओके बच्चों, ये जो स्टोरी है, स्टोरी नेम है इंदी स्टोरी. ये जो स्टोरी है एक छोटी लड़की की है और उसका नाम है इंदी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ एंड लिसन टू मी केयरफुली. इंदी इज अ लिटिल गर्ल. इंदी कौन है? एक छोटी लड़की है. सी लिव्स इन इंडिया. वह कहाँ रहती है? इंडिया में रहती है, भारत में रहती है. सी लॉस टू ईट इडली एंड गोल गप्पा. उसे मीन्स इंदी को गोल गप्पा और इडली बहुत पसंद है. सी ऑलवेज वेयर ऑरेंज ग्रीन एंड व्हाइट क्लॉथ्स. वह हमेशा ऑरेंज ग्रीन एंड व्हाइट क्लॉथ्स ही पहनती है. सी लव्स दीज थ्री कलर्स. क्योंकि ये तीन कलर्स हैं, है ना, ये तीनों कलर से वह बहुत प्यार करती है. दीज कलर्स रिप्रेजेंट हर कंट्रीज फ्लैग. क्योंकि ये तीनों कलर उसके देश के कलर हैं, है ना, नेशनल जो फ्लैग है उसके कलर है ये. सी इज वेरी प्राउड ऑफ हर कंट्री. वह अपने देश पर बहुत गर्व करती है. हर कंट्रीज नेशनल एनिमल इज टाइगर. उसके देश का जो नेशनल एनिमल है वो क्या है? टाइगर है. राष्ट्रीय जो पशु है वो है टाइगर. हर फेवरेट फ्रूट इज मैंगो. और उसका पसंदीदा फ्रूट कौन सा है? मैंगो. सी लव्स ईटिंग स्वीट मैंगोस. वह मीठे मीठे आम खाना बहुत ही पसंद करती है. इन समर सी ईट्स बाउल फुल ऑफ जूसी मैंगोस. वह गर्मी के दिनों में फुल बाउल रसीले आम खाती है. सी लव्स टू प्रे. और वह भगवान से प्रार्थना करती है. एवरी डे सी प्रेयर आफ्टर हर बाथ. और वह प्रतिदिन नहाने के बाद हमेशा प्रार्थना करती है. इंदीज ग्रैंड मदर ब्रिंग लोटस फ्लावर. इंदी की ग्रैंड मदर क्या लाती है? कमल का फूल, मतलब लोटस फ्लावर लाती है. दे आर रेड इन कलर एंड ब्लू ऑन वाटर. वह जो फ्लावर है वो रेड कलर का है और पानी में ही वो खिलता है. लोटस इज हर कंट्रीज नेशनल फ्लावर. लोटस उसके कंट्री का क्या है? नेशनल फ्लावर, उसके देश का राष्ट्रीय फूल है. देयर आर मेनी मैंगो ट्रीज नियर हर हाउस. उसके घर के पास बहुत सारे मैंगो के ट्री हैं. मेनी पिकॉक्स कम्स देयर. और बहुत सारे पिकॉक मतलब मोर उसके घर के पास, उस पेड़ के पास आते हैं, मैंगो ट्री के वहां पर आते हैं. सी लव्स द कलरफुल पिकॉक. वह कलरफुल पिकॉक को बहुत लाइक करती है, बहुत पसंद करती है, प्यार करती है. दे स्प्रेड देयर विंग्स एंड डांस इन द रेन. वे पंख फैलाकर और बारिश में वह डांस करते हैं. पिकॉक्स इज हर कंट्रीज नेशनल बर्ड. पिकॉक उसके देश का राष्ट्रीय पक्षी है. तो समझ में आया, ये थी स्टोरी इंदी की. इंदी एक छोटी सी लड़की है ना, क्या है? इंदी एक छोटी लड़की है और वह हमेशा क्या करती है? हमेशा वो इडली और गोलगप्पा खाना पसंद करती है और हमेशा ऑरेंज ग्रीन और व्हाइट कलर के ही क्लॉथ्स पहनती है. और वह अपने देश से बहुत प्यार करती है और ये जो तीन कलर हैं उसके देश के कलर हैं, है ना. और
उसके देश के जो झंडे हैं उसका कलर है ना, वह हमेशा अपने देश से बहुत, अपने देश पर उसे बहुत गर्व है, और जो उसके देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, टाइगर है ना, और उसका फेवरेट फ्रूट्स कौन सा है, मैंगो, और वह मीठे आम खाना बहुत पसंद करती है, और गर्मी के समय में वह हमेशा फुल बाउल रसीले आम का जूस पीती है, ओके, खाती है, पीती है, और वह हमेशा भगवान से प्रार्थना करती है। प्रतिदिन वह नहाने के बाद भी क्या करती है, प्रार्थना करती है। और इंदी की जो ग्रैंड मदर है वो लोटस फ्लावर लाती है, और वह जो फ्लावर है वो रेड कलर में है, और वह वाटर में ही खिलता है। लोटस उसके देश का नेशनल फ्लावर है, राष्ट्रीय फूल है, और मैं उसके घर के पास बहुत सारे मैंगो के ट्री हैं, और वहां पर बहुत सारे पिकॉक आते हैं, वह पिकॉक से बहुत प्यार करती है, और जो पिकॉक हैं वो क्या करते हैं, पंख फैलाते हैं और बारिश में डांस करते हैं, और पिकॉक उसके देश का नेशनल बर्ड मतलब राष्ट्रीय पशु, सॉरी राष्ट्रीय पक्षी है। इस प्रकार से ये इंदी की कहानी है, ओके, समझ में आया सभी को इंदी की स्टोरी। तो हमें भी अपने जो देश का जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है, उससे क्या करना चाहिए, बहुत प्यार करना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए। जिस प्रकार से इंदी को गर्व है अपने देश के झंडे पर, उसी प्रकार हमें भी क्या होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, है ना। तो इस ये जो इंदीस की स्टोरी है उसमें हमें क्या क्या समझ में आया, कि जो टाइगर है वो क्या है, हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है, और मैंगो जो है वो हमारे देश का राष्ट्रीय फल है ना, और ये जो पिकॉक है, पिकॉक क्या है, हमारे देश का मतलब भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी है, ओके, और जो कमल का फूल है वो हमारे देश का मतलब भारत देश का राष्ट्रीय पुष्प है। समझ में आया। तो इस स्टोरी से हमें क्या क्या सीखने को मिला, जो हमारा जो नेशनल फ्लैग है ना, तो वो हमारे देश का जो झंडा है वो कौन से कलर का होता है, ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन कलर का होता है, और हमेशा हमें इसकी रक्षा करना चाहिए, है ना। और पशु कौन सा है, राष्ट्रीय पशु शेर, टाइगर, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पुष्प कमल, और जो आम है वो राष्ट्रीय फल है, ओके। तो इस प्रकार से इस स्टोरी के द्वारा हमें यही जानकारी मिलती है, जो नेशनल फ्लैग है, फ्लावर्स है, देखिए ये सारे हमारे बुक में दिए हुए हैं, इनके आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, सभी को दिखाई दे रही है ना, यस, ये है फ्लैग, नेशनल फ्लैग, ओके, दिस इज अ नेशनल फ्लैग, दिस पिकॉक, टाइगर एंड मैंगो ट्री, है ना। इस प्रकार से इस स्टोरी में यही दिया हुआ है, और इस स्टोरी के माध्यम से हमने आज सीखा नेशनल फ्लावर, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्रूट एंड नेशनल एनिमल के बारे में, ओके। तो इस प्रकार से हमें भी अपने नेशनल फ्लैग में बहुत ही गर्व होना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए, और इसी प्रकार से हमें भी ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन कलर के कपड़े हम पहन सकते हैं, क्योंकि ये हमारे देश के जो झंडा है उसका कलर है ना। तो इस प्रकार से ये इंदी की स्टोरी थी, और ये स्टोरी बहुत प्यारी थी। बच्चों, आपको इस स्टोरी को इस वीडियो के माध्यम से सुनना है, लर्न करना है, और हमें भी सुनाना है, ओके, थैंक यू।